जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सबको। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो हमने पिछले वीडियो में हिस्ट्री को एक बेसिक क्लासिफिकेशन के साथ स्टार्ट किया था, और उस क्लासिफिकेशन में हमने समझा था कि किन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था हिस्ट्री को कुछ बेसिस पे डिवाइड करने के बारे में। अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं धार्मिक तरीके से अपने हिस्ट्री के सिलेबस को। बट उससे पहले मैंने आपसे एक चीज कहा था कि कल जो क्लासिफिकेशन हमने देखी थी वो क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस था। दैट वॉज ऑन द बेसिस किस चीज के, विथ रेस्पेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिटन टेक्स्ट, मतलब कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स उस समय मिला है या नहीं मिला है। सो आज ये जो क्लासिफिकेशन है ये प्री हिस्ट्री को हम स्टार्ट करने वाले हैं, और प्री हिस्ट्री को हम लोग साथ में एक स्टोन एज, उसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन कहलाती है स्टोन एज। क्या लग रहा है आपको सुन के नाम स्टोन एज क्यों पड़ा? स्टोन एज इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो सारी जो पीरियड्स हैं जो हम अभी रेफर करेंगे, इस समय लोगों का जो अवेयरनेस था विथ रेस्पेक्ट टू द टूल्स, विथ रेस्पेक्ट टू जो भी वो चीजें यूज करते थे, वो किस चीज का यूज करते थे, वो यूज करते थे पत्थर के बने हुए चीज। किस चीज के बने हुए चीज? पत्थर के बने हुए चीज। दैट इज वाई दिस पीरियड इज रेफर टू एज द स्टोन एज। अब सिंपल आप क्लासिफिकेशन यहां पे देख सकते हैं कि मैंने क्लासिफिकेशन क्या किया। मैंने क्लासिफिकेशन किया है पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक एंड नियोलिथिक। वर्ड समझिए, पैलियोलिथिक, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और एंशियंट, मतलब पुराना, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। सो पुरानी पत्थर जो एज है, ओल्ड स्टोन एज, इसे हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक। मिडिल स्टोन एज, इसे कहेंगे मिजोलिथिक। न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक। टर्म से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगी आपको। अब बात यह आती है कि देखिए ये क्या है, ये है 5,00,000 से 10,000 BC, मतलब कि अगर जीरो लेते हैं। सो जीरो क्या है? बीसी है। बीसी के बाद आज हम लोग कितना है, आज हम जीरो से 2022 साल आगे हैं। मतलब ये क्या है, वो जीरो से दो कितना, 5,00,000 साल से लेके 10,000 साल का जो टाइम है, इस टाइम को हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक फेज। देखिए ये समय जो है, ये समय काफी ज्यादा वाइड है, और इस कारण से इस समय को हम लोग को फर्दर कुछ पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट इस क्लासिफिकेशन में इतने लार्ज समय में बहुत सारी चेंजेस आ सकती है ना दोस्तों। सो फॉर दैट, फॉर अंडरस्टैंडिंग द माइन्यूट चेंजेस विच टुक प्लेस बिटवीन दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज फ्रॉम द 5,00,000 ईयर्स टू 10,000 ईयर्स, ये जो समय के बीच में जो चेंजेस आई उसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हमको क्या करना है, इसको क्लासिफिकेशन करना है। और ये क्लासिफिकेशन स्पेशली किस बेसिस पे किया गया है, क्या आपको पता है? ये क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द नेचर ऑफ टूल्स, क्योंकि सिंपल बात है, जब लोग आदि मानव जब पहले थे, धीरे धीरे वो मॉडर्न हुए, ठीक है, इरेक्टाइल सेपियंस बने, मतलब स्ट्रेट खड़ा होना स्टार्ट किए, फिर जैसे जैसे चीजें इंटेलेक्चुअल माइंड वर्क करेगा, लोगों के अंदर मॉडर्निटी बढ़ेगी। सो दिस इज द मोस्ट एंशियंट, धीरे धीरे थोड़ा डेवलपमेंट हुई होगी इसमें, फर्दर डेवलपमेंट इसमें हुआ होगा। सो मॉडर्निटी की तरफ हम ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो पैलियोलिथिक समझ गए आप, मिजोलिथिक समझ गए एंड नियोलिथिक समझ गए। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप बनाया है आपको कुछ समझाने के लिए, कि सबसे पहली बात आती है कि ह्यूमन इवोल्यूशन। देखिए अर्थ हमारी 4.4 बिलियन साल पहले बन गई थी, बट ह्यूमंस को इवॉल्व होने में समय लगेगा। पहले एटमोसफियर बनेगा, क्लाइमेट बनेगी, सारी चीजें बनेंगी, लोगों को सर्वाइवल करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सब चीजें होंगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा ह्यूमन की इवोल्यूशन होगी। सो ह्यूमन सबसे पहले इवोल्यूशन कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था, जो प्रेजेंट अफ्रीका है, ह्यूमंस की सबसे पहले ट्रेसेस यहीं से पाए जाते हैं। कितने साल पहले? 1.4 मिलियन मतलब 14,00,000 साल पहले। और इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें, क्योंकि हमें इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, सो इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडियन कंटेक्स्ट में ये जो फेज है ये 5,00,000 ईयर्स है। सो 5,00,000 ईयर्स से हम पैलियोलिथिक को कंसिडर करेंगे, और दैट इज वाई वी हैव टेकन दिस 5,00,000 टू 10,000 BC। आई होप द अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। अब बेसिक क्लासिफिकेशन अगर समझ गए तो आज हम फर्स्ट टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है लोअर पैलियोलिथिक एज। दोस्तों कोई भी चीज मैकेनिकल नहीं है, चीजों को समझिए।
अगर मैं कोई भी टॉपिक आपसे बताता हूं तो आप आंखें बंद कीजिए और खुद को उस जगह रख के देखिए कि अगर इस समय आप होते तो आपको कैसा लगता। बाकी सारी चीजें उसी फ्लो में आपके लिए चलते जाएंगे। दैट इज वाई हिस्ट्री को समझना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, लोअर पैलियोलिथिक एज में हम चले गए, आप सबको मेरे साथ चले जाइए। अब मैं आपसे कहता हूं कि उस समय जो क्लाइमेट था ना, वो क्लाइमेट क्या था, वो आइस एज के साथ क्लाइमेट कोइंसाइड कर रहा था। मतलब उस समय मैक्सिमम जो एलिवेशंस की पार्ट है या एंटायर वर्ल्ड में बहुत सारे जगह क्या थी, आइस की कवरेज थी। अब जहां पे आइस की कवरेज होगी वहां पे क्या होगा, ठंड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि आदि मानव को क्या दिक्कतें थी, आदि मानव को घर बनाना तो आता नहीं था उस समय ना। ऊंट थी, मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या स्टोन है, तो उन्हें कोई ऐसा शेल्टर चाहिए ना जहां पे वो स्टोन का शेल्टर रहे, ऑटोमेटिकली बना रहे और बस जाके वो उस ठंड से बच सके। क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सट्रीम कोल्ड, सो वी हैव टू एंश्योर दैट कि वहां पे वो ठंड से बच सके। सो कहां रहेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशंस देख लिया आपने, कहां एक्सट्रीम कोल्ड है तो शेल्टर क्या होगा, क्योंकि उनके पास कोई नॉलेज नहीं था हाउसेस बनाने का। सो उनकी शेल्टर क्या थी, केव्स थी, वो गुफा के अंदर रहते थे। सिंपल बात है, पत्थर है, पत्थर का एज है, गुफा भी पत्थर के होंगे, सो पत्थर के गुफे में रहते थे। अब बात यह आती है कि सर्वाइवल क्या था, क्या उनको कुकिंग आता था, क्या वो चीजें, मतलब क्या, मतलब कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर उन्होंने सीखा था। इस एज में, इस फेज में, लोअर पैलियोलिथिक फेज में उन्होंने कुछ नहीं सीखा था। उन्हें बस एक ही चीज पता था कि हमको जानवर को मार के कच्चा खा जाना है, ठीक है। सो देवर लाइक जस्ट लाइक एनिमल्स, अ लिटिल बिट मॉडर्नाइज्ड एनिमल्स, ठीक है। सो क्या थी सर्वाइवल, हंटिंग एंड गैदरिंग। हंट करते थे, जानवरों को पकड़ते थे और गैदर करते थे। और बात यह आती है कि अब जानवर, अब इंसान है, अब आपको जानवर को मारना होगा तो आप कैसे मारेंगे। यही क्लासिफिकेशन की वहां पे कौन सा टूल्स यूज करेंगे, यही क्लासिफिकेशन इस जो पैलियोलिथिक के जो तीन क्लासिफिकेशन इसको डिसाइड करती है। क्योंकि देखिए अब क्या है कि जस्ट स्टार्ट हो रही है। अब लोग क्या है कि सपोज मान लीजिए कि ये क्या है, ये पत्थर है, एक अनइवन पत्थर है। सो क्या होगा कि अब इस अनइवन पत्थर को कोई शेप देने में उतना तो उनको इंटेलेक्चुअल है नहीं कि कोई अच्छा सा शेप देंगे। अभी तो नया नया पत्थर देख रहे हैं कि अरे वाह ये पत्थर है, गुफा से कहीं से पत्थर तोड़ लिए। अब बात यह आती है कि इस पत्थर को हमको एनिमल को मारने लायक कुछ बनाना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, कहीं से कुछ पॉइंटेड पार्ट चाहिए ना इस पत्थर को, जो अनइवन पत्थर है उसको एक साइड से कहीं थोड़ा पॉइंटेड चाहिए। तो बात यह आती है कि वो क्या करेंगे, इसको हिट करेंगे, तो हिट करेंगे किसी और पत्थर से। सो क्या करेंगे, इनको इंटेंशन रहेगा कि ये एज जो है, ये एज, इस एज को हम पॉइंटेड बना दे, तो तोड़ेंगे तो कुछ पार्ट निकल जाएगा और कुछ पार्ट बच जाएगा। मतलब मेजर जो लार्ज चंक है, जो पत्थर का लार्ज टुकड़ा है, जैसे ये पत्थर है, ये पत्थर को किसी और पत्थर से तोड़े तो ये दो पार्ट में टूट गया। अब आप देख सकते हैं इसका एक पॉइंट क्या, वो पॉइंटेड बन गया। तो इस बड़े पत्थर को कोर कहते हैं और उसी पत्थर का जो छोटा पार्ट जो अलग हो गया उसे फ्लेक्स कहते हैं। तो अर्ली, मतलब लोअर पैलियोलिथिक फेज में क्या यूज होता था, कोर का पोर्शन यूज करते हैं। मतलब पत्थर जो है उसका जो तोड़ के एक पॉइंटेड बड़ा कॉर्नर है उसी को यूज कर लेते थे। ये जो छोटा सा टूट के गिर गया नीचे उसको अगले आने वाले लोग यूज करेंगे। आप समझिए कि नेचर ऑफ टूल्स कैसा था, क्या था नेचर ऑफ टूल्स, टूल्स वेर जनरली कोर रेफर्ड एज द कोर टूल्स। कैसे, पत्थर को काट के एक किनारे से थोड़ा सा पॉइंटेड कर लिए कि मारे ऐसे तो जानवर पे चोट लगे और छोटे जानवर वहीं पे गिर जाए और उसके बाद वो लोग जैसे भी करके मार मार के किसी तरह से पत्थर से ही मार के वो फिर जानवर को खाएंगे। अब बात यह आ जाती है कि कोर टूल्स जो थे उसका नेचर कैसा था, क्या वो कोई रेक्टेंगुलर में थे। तो मैंने क्या कहा कि केवल एक साइड से पॉइंटेड करते थे और बाकी साइड अनइवन। तो जनरली टूल्स कैसे होंगे, इरेगुलर अनपॉलिश्ड टूल्स, कोई उसमें फिनिशिंग नहीं, कोई पॉलिश नहीं, कोई फिनिशिंग नहीं, अनइवन इरेगुलर टूल्स यूज करते थे, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक नाम्स हैं, क्या है, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स, ठीक है। सो ये सब स्पेसिफिक टूल्स है। मतलब देखिए सुन के तो टेक्निकल लग रहा है,
क्योंकि आज प्रेजेंट लोग हम लोग इस टर्म्स को यूज करते हैं। वो लोग थोड़ी ना कहते थे वाह 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 हमने पत्थर से तोड़ के हैंड एक्स बना लिया, ऐसा कुछ नहीं था। प्रेजेंट लोगों ने, प्रेजेंट हिस्टोरियंस ने इस टूल्स को नाम दिया है हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स। अब ये कैसे होते थे थोड़ा बेसिक शेप बना दूं मैं। जैसे हैंड एक्सेस कैसे होंगे आपका, ऐसे होंगे, एक साइड पॉइंटेड होगा, ठीक है। क्लीवर्स और चॉपर्स इसी के रूप में होते थे, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। जैसे ये ऐसे मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है। सो ये सारी चीजें हो गई क्या कि नेचर ऑफ द टूल्स जो यूज करते थे। अब बात आपकी ये आनी चाहिए कि ये जो साइट्स हैं, ये जो ओल्ड या लोअर पैलियोलिथिक फेस है, इसके साक्ष्य, इसके एविडेंसेस कहाँ मिले। हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि इसके ट्रेसेस कहाँ मिले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके ट्रेसेस 4 इंपॉर्टेंट साइट्स में मिले हैं। ऐसे तो बहुत सारे साइट्स हैं, बट जो 4 इंपॉर्टेंट साइट्स है वो है मिर्जापुर के पास बेलन वैली, सबसे इंपॉर्टेंट साइट है एमपी में भीमबेटका केव्स, उसके बाद राजस्थान में है दिदवाना, और पाकिस्तान में है सोहन वैली। सो ये 4 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां पे हमें लोअर पैलियोलिथिक फेज के ट्रेसेस मिले। सो आई होप कि लोअर पैलियोलिथिक एज क्यों इसको अलग टॉपिक बनाए। इसको अलग टॉपिक बनाने के पीछे केवल एक बेसिस था कि इस फेज में टूल्स हम कैसा यूज करते हैं, टूल्स कैसा यूज करते हैं, इररेगुलर शेप टूल्स। अब कुछ एनालिसिस पार्ट आ जाते हैं दोस्तों। एनालिसिस पार्ट क्या आ जाते हैं कि कोई आपसे बोलेगा कि अब इनके समय लोग मरते थे, आज लोग मरते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग हम लोग संस्कार फॉलो करते हैं, ठीक है। हिंदूज में होते हैं तो हम लोग डेड बॉडीज को जलाते हैं, ठीक है। क्रिश्चियंस होते हैं तो हम लोग उनको उसमें दफनाते हैं। सो ऐसी जो चीजें होती हैं ये सारी को कहते हैं संस्कार, द मेथड ऑफ डीलिंग विद द डेड बॉडीज आफ्टर द डाई। क्या ऐसा कोई संस्कार इनके समय था? नहीं था। दे डोंट नो एनी आर्ट ऑफ डीलिंग विद द डेड बॉडीज। तो उससे जानवर खा जाते थे या क्या होता था, डेड एंड डिकम्पोज होके मैन्योर बन जाते थे, बस यही होता था। क्या होता था? यही। कोई इनके अंदर संस्कार की जो एस्पेक्ट होती है कि डेड बॉडीज को कैसे डील करना है, ये सारी चीजें इनके अंदर नहीं थी। क्वेश्चन यहीं से आपके प्रीलिम्स के बन जाएंगे। उसके बाद बात आती है कि अब केव्स में है तो क्या केव्स में ये पेंटिंग स्टार्ट हुई थी इस समय। सो लोअर पैलियोलिथिक फेज में कोई पेंटिंग के ट्रेसेस नहीं पाए जाते हैं। स्टेटमेंट अगर प्रीलिम्स में दे देगा कि द ट्रेसेस ऑफ द अर्लियर पेंटिंग्स वर फाइंड इन द लोअर पैलियोलिथिक फेज, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये फर्दर जब हम जाएंगे तो पेंटिंग्स स्पेशली मिलना स्टार्ट हो गया कब से, पेंटिंग स्टार्ट हो गया अपर पैलियोलिथिक फेज से मिलना। लोअर में पेंटिंग्स केव में ये नहीं बनाते थे, ठीक है। और एनिमल्स, मैंने क्या कहा कि वो एनिमल्स को कुछ टूल से मारते थे, बट क्या मारते थे कि केवल उसके ऊपर कंट्रोल भी करते थे। एक होता है कि जैसे अब घर में आप क्या करते हैं, आपके घर में काउज होते हैं, गाय होते हैं, डॉग्स पालते हैं बहुत कोई, तो वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के ट्रेसेस लोअर पैलियोलिथिक फेज में मिले हैं? नहीं मिले हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यूपीएससी के किसी ऑप्शन में ये दे देगा कि द ट्रेसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड इन द लोअर पैलियोलिथिक फेज। फंस जाइएगा क्योंकि इस समय ये 3 चीजें नहीं थी। आई होप कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक फेज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। सो अगर लेक्चर अच्छा लगा है और फर्दर हम कंटिन्यूएशन करेंगे इस चीज के साथ, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए आप शेयर करें इस वीडियो को, सो दैट लोगों को भी ये बेसिक जो हिस्टोरिकल प्री हिस्ट्री की पार्ट है वो चीजें क्लियर हो सके। जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, थैंक यू।